Hello student, today we are going to start your English subject in standard 8. Okay. Today we have learned the poem number 8, On the Grasshopper and Cricket. On the Grasshopper and the Cricket. Okay. So, grasshopper means क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा. Grasshopper means तीड जो आते हैं उसे क्या कहते हैं ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट मीन्स झिंगुर. ओके सो यहाँ पर क्रिकेट एंड ग्रासहॉपर की जो स्टोरी है वो हम देखेंगे. ओके सो लेट मी स्टार्ट द पोएट्री ऑफ द ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mound made, that is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights, for when dried out with fun he reads at his beans some pleasant wit. So यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या दिया था कि जो पृथ्वी का जो द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, पृथ्वी का जो संगीत है वो चलता ही रहता है, वो कभी डेड नहीं होता है. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज ए वॉइस विल रन. जब दोपहर को तपती धूप में जब पक्षी सुस्त हो जाते हैं और वृक्ष की ठंडी छाँव में छिप जाते हैं तभी भी ये जो आवाज़ है वो तो आती ही है. फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउन मेड दैट इज द ग्रासहॉपर्स ही टेक्स द लीड. सो जो सभी उस समय भी जो एक आवाज़ है वो नए घास कटे लॉन के चारों ओर लगी बाड़ में गूंजती रहती है. यह गाना किसका होता है इन लग्ज किसका होता है दैट इज ग्रासहॉपर. किसका गाना होता है ग्रासहॉपर का. ओके और इन समर लग्जरी, समर लग्जरी मीन्स कि ग्रीष्म ऋतु. ओके ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स फॉर वैन ड्राइड आउट विथ फन ही रेड्स एट्स एज बैंड सम प्लेजेंट वेट. सो वही ग्रीष्म ऋतु के आनंद की पहल करता है. कौन करता है ग्रीष्म ऋतु की पहल? तो जो ग्रासहॉपर है वो उनका संगीत स्टार्ट कर ग्रीष्म ऋतु की पहल करता है. उसकी यह खुशी कभी थमती नहीं क्योंकि जब वह गा कर थक जाता है तो किसी सुखद जंगली पौधे के नीचे आराम से बैठ जाता है. जो ग्रासहॉपर है वो पूरा दिन गाता रहता है और जब गा कर वो थक जाता है, उसको लगता है कि अब मैं टायर्ड हो गया हूँ, तब वो क्या करता है एक झाड़ के नीचे पौधे में बैठ जाता है. ओके सो जैसे कि आप लोगों को बहुत बोलते हो तो आप लोगों को भी थक लगता है, वैसे जो ग्रासहॉपर है उनको भी थक लगता होगा, तो वो क्या करता था पौधे के नीचे बैठ जाता था. ओके द नेक्स्ट The poetry of earth is gazing never on a long winter evening when the frost has wrought a silence from the stone that shrills the cricket song in warmth increasing ever and seems to one in droneness half lost the grasshoppers among some grassy hills. So again okay, पृथ्वी का जो धरती का जो संगीत है वो कभी थमता नहीं, वो कभी नेवर डेड एंड नेवर केजिंग के संग मतलब थमता. ओके गर्मी में जो टिड्डा खुशी से जो तीड़ होता है वो खुशी से गाता है गाता है जबकि पक्षी वृक्षों पर ठंडी छा खोज लेते हैं. एकाकी झाड़े के शाम को जब बर्फ या तुषार के कारण शांति छाई जाती रहती है चट्टान के पास से झिंगुर का गाना शुरू होता है. उसका जोश या उसका स्वर बढ़ता रहता है. ऊँघते व्यक्ति को झिंगुर की यह आवाज़ किसी हरी भरी पहाड़ी से आती सुनाई देती है.
ओके द ग्रास शॉपर्स एमोंग सम ग्रेसी हिल्स, कहाँ से वो आवाज़ आती सुनाई देती है, तो ग्रेसी हिल से. ओके तो क्या था इसमें आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि दिस नेचर पोएम पॉज ड्रोज अटेंशन टू द म्यूजिकल नोट्स. किसकी नोट्स यहाँ पर दी गई है, म्यूजिकल नोट्स. ओके जैसे कि क्रिकेट एंड ग्रास शॉपर की म्यूजिकल नोट्स यहाँ पर दी गई है. ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट गोइंग ऑन फॉर एवर दिस म्यूजिक इज प्रोवाइड बाय द ग्रास शॉपर ऑन हॉट समर नून एंड बाय द क्रिकेट इन कोल्ड विंटर. समर में कौन गाता है, ग्रास शॉपर, एंड विंटर में क्रिकेट. ओके थस एवरी सीजन हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ जॉय एंड म्यूजिक. ओके ऑन ए हॉट समर डे द बर्ड सीक शेल्टर इन द कूल शेड ऑफ ट्रीज बट इट इज़ टाइम फॉर मैरी मेकिंग फॉर द ग्रास शॉपर. ही फ्लाइज फ्रॉम वन फैंस टू अनदर सिंगिंग ऑल द टाइम वैन ही इज वेरी ऑफ सिंगिंग ही रेड्स अंडर सम वाइल्ड प्लांट. ओके द बर्ड्स रिमेन साइलेंट एंड हाइड इन द विंटर. ऑल्सो ऑन ए फ्रोस्टी डे देयर इज अटर साइलेंस ऑन ऑल साइड्स. ओके देन सडनली द साइलेंस ब्रोकन बाय द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट. Its voice comes from a pile of stones, thus the music of the earth is endless. Okay. To a person feeling sleepy, the cricket sounds appear to be coming from distant grassy hills. Okay. Okay, so our glossary diya, brought about, comes though loud and clear. Okay. And jo working with the poem hai, wo hum dekh lenge. सो फर्स्ट है डिस्कस योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ पोएम. इसकी आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस कर आपको इस पोएम की डेफिनेशन बनानी है. ओके द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स व्हाट इज इट मेड ऑफ एज सजेस्टेड इन द पोएम. सो इसका आंसर क्या आएगा कि The poetry of earth is made of the chirping of birds in trees and grasshopper sound. They sing joyfully without a long break. Okay, the next. Find in the poem lines that match the following. ये जो दोनों लाइन हमें दी गई है उसमें इस पोएम में से कौन सी लाइन मैच होती है. सो फर्स्ट इज The grasshopper's happiness never comes to an end. तो इसमें कौन सी लाइन आएगी, तो he has never done with delights. कौन सी लाइन आएगी, he had never so कौन सी लाइन आएगी, he has never done with his delights. Okay? The next, second, the cricket's song has a warmth that never decreases. तो इसमें कौन सी लाइन आएगी, the cricket's song is the warmth increasing ever. The cricket song is the warmth increasing ever. Okay, I got it. Okay. Then next, which word in stanza 2 is opposite in meaning of the frost? The frost का opposing meaning क्या होता है, तो warmth. Frost means ठंडा जो होता है वो, and warmth means गर्म. तो frost का opposite क्या हुआ, warmth. Okay. Okay, so your poem is completed and I hope you are understanding in this poem and you will exercise written in your English notebook in one time. Okay?